तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि जे मेंस में नीट में पर ईयर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहता है एम्फोटेरिक से, मेटल वायर से, इवन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, बट इसका ट्रिक अगर हम लोग समझ जाए तो बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं पूरे पीरियोडिक टेबल पे तो 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से 17 जो एलिमेंट्स है नॉन मेटल्स है। ये जो मैंने लिखा यहां पे मोस्ट कॉमन नॉन मेटल्स है, ये मोस्ट कॉमन नॉन मेटल्स है। अब जिसमें कौन कौन सा नॉन मेटल्स है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अगर हम लोग बात करेंगे तो 17 में जो 5 नॉन मेटल्स होगा, 5 नॉन मेटल्स ये क्या होगा, तो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कौन कौन सा है, कार्बन, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, ये 5 एलिमेंट जो है सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है। अब इसमें से एक जो हम लोगों का होगा वो होगा लिक्विड, और लिक्विड कौन सा होगा, ब्रोमीन, मरते भी लिक्विड है बट नॉन मेटल नहीं है, नॉन मेटल में सिर्फ एक ही लिक्विड है तो क्या है, ब्रोमीन है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि बाकी रिमेनिंग 11 जो होगा वो गैसेज होगा, और गैस में कौन कौन सा होगा, हाँ फोन कर लो किसे फोन करना है, नोबेल गैसेज को। अब नोबेल गैसेज में जैसे हीरा, नीलम और कोहिनूर, जैसे रत्न, यानी कि 72 नॉन मेटल्स में 5 सॉलिड्स हो गए, 1 लिक्विड है और 11 गैसेज है। क्या ये हम लोग को याद करना जरूरी है, तो याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग ये समझ जाए कि गैस कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, सॉलिड कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं, जो 11 और 12 में जब ब्लॉक्स करेंगे पीरियोडिक टेबल में तो सबसे ज्यादा यूज होगा। अब इसमें अगर मैं जो मेटल वायर्स का पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने मेटल वायर्स है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग बात करेंगे मेटल वायर्स का, मेटल वायर्स का मतलब क्या होता है, मेटल वायर्स का मतलब ये होगा कि वैसा सब्सटेंस जिसमें मेटल्स का भी प्रॉपर्टीज हो, नॉन मेटल्स का भी प्रॉपर्टीज हो, उसे बोलेंगे मेटल वायर्स या फिर सेमी मेटल्स, बोलेंगे सेमी मेटल्स। जैसे अभी हम लोग इसमें रामदेव बाबा को नहला देंगे, यानी कि मेटल वायर्स में जो होगा बाबा सेम जी असली साबुन तेल पोतते हैं, और यहाँ पे जो एटीएल ये अभी भी कंफ्यूजन में है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियोडिक टेबल में एटी को मेटल वायर माना जाता है और कोई नहीं भी मानता है, अगर हम लोग माने फिर भी सही है और अगर न माने फिर भी सही है, तो एटी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये अभी भी मिसकंसेप्शन में है, यानी कि हम लोग के पास जो मोस्ट कॉमन मेटल वायर्स है वो तो कौन कौन सा है, बाबा सीन जी असली साबुन तेल पोतते हैं, इसे याद कैसे करेंगे, बाबा सीन जी असली साबुन तेल पोतते हैं। अब नेक्स्ट इसमें अगर बात करें पीरियोडिक टेबल में तो एम्फोटेरिक एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा, अब एम्फोटेरिक का बात करेंगे, एम्फो का मतलब क्या होता है, एम्फ का मतलब होता है ड्यूअल नेचर, जिसके पास ड्यूअल नेचर हो, यानी कि अगर हम लोग बात करें एम्फ मींस ड्यूअल नेचर, और ड्यूअल नेचर का मीनिंग यहाँ पे क्या है, ड्यूअल नेचर का यहाँ पे मीनिंग है जो एसिड से भी रिएक्ट कर सके
और बेस रिएक्शन कह सके मीन्स वैसा स्पीसीज जिसके पास दोनों का कैरेक्टरिस्टिक हो एसिड एज वेल एज बेस, उसे हम लोग क्या बोलेंगे एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक स्पीसीज कौन कौन सा है क्या ये याद करना जरूरी है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां से पर ईयर जे मेंस में और नीट में कभी ना कभी किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन रहता ही रहता है एम्फोटेरिक से। अब कौन कौन सा एम्फोटेरिक होगा, तो जनाबे अली ऐसे पंजाबी सॉन्ग एंड गाना सब बेकार है। और ये ट्रीज हम लोग पंजाब में नहीं बोल सकते, मैं तो डंडा भी पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे जनाबे अली कैसे याद करेंगे, जनाबे अली ऐसे पंजाबी सॉन्ग एंड गाना सब बेकार है। ये सारे इमेज जो है ना एम्फोटेरिक ऑक्साइड या फिर हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। जैसे जेई मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछता है, जेई मेंस में कैसे क्वेश्चन उठाएगा यहां से, तो जेई मेंस में क्वेश्चन क्या पूछेगा बीच वन ऑफ दी फॉलोइंग, बीच वन ऑफ दी फॉलोइंग, बीच वन ऑफ दी फॉलोइंग ऑक्साइड ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, which one of the following oxide is amphoteric, first option जैसे DeO, second option magnesium oxide और C option क्या दिया हुआ है, C option दिया हुआ है sodium oxide and D option given है calcium oxide। अब इसमें से पहचानना क्या है कि amphoteric oxide कौन सा होगा, तो हम लोग कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है। इसमें से अगर ये याद है, अगर ये याद है कि जनाबे अली ऐसे पंजाबी सॉन्ग एंड गाना सब बेकार है, बेरिलियम यहां पे क्या मिल गया, बेरिलियम मिल गया, मींस बेरिलियम क्या होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। अरे भूलो लगा बेरिलियम क्या होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, मींस ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी कि एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है बेस से भी रिएक्शन कर सकता है। और जे मेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी तरह से अगर मैं बोलूं मेरे पीवाईक्यू जे मेंस और मेडिकल का अगर क्वेश्चन लगे सिर्फ एम्फोटेरिक से कम 10-15% देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा हम लोग का एम्फोटेरिक। अब जैसे कि अब ये पूरे इलिमेंट्स जो है नॉन मेटल्स में, यानी कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 180 इलिमेंट्स में 70 नॉन मेटल्स हो गए, बाकी के ये मेटल वायर्स हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे एम्फोटेरिक लिख दिया, इसमें सारे मेटल्स है। अगर मैं बात करूं मेटल वायर्स के अलावा मेटल्स का, मेटल्स कितना होगा तो लगभग 89+ जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स है।